वो भी तो ना आग उत्तराखंड सामने से से हो गई। बिलोंग करते हैं, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो जब ये सब हादसा हुआ हम लोग वहीं थे, भैया का कोई दोष भी नहीं था। तब भी वो लेडीज़ ना बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, उन्होंने बहुत मतलब कि एकदम से भैया समझाते रहे, उन्होंने समझाने का मौका भी नहीं दिया। हस्बैंड थे कि भाई थे आई डोंट नो, आके उनका ना गला कट कर दिया था। बट जो भी हुआ देखो बहुत गलत हुआ है। अब ये तो देखिए लॉ ऑफ जस्टिस पे है कि क्या होता है, हम भी वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं कोर्ट ने माना है कि उन्होंने गुनाह किया, कत्ल किया, ये स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने। हाँ जी, लेकिन आप वो भी माने कि वो जो माँ थी उसकी वो बहुत ज़्यादा क्रूर थी। देखिए एज अ ह्यूमन जब हम उनसे मिलते थे तो हमें लगा नहीं कि वो ऐसा करेगी। बट कहना जब शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता कुछ नहीं पता होता। वो अचानक से, और वो जो भैया है हमारे वो तो इतने अच्छे थे ना, मैं हाँ बड़े भाई के जैसे थे, मेरा भाई लगता था। आप छोटी थी उनसे? मैं बहुत नहीं पता नहीं एक दो साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि भैया के साथ ऐसा हो गया। हम लड़ाई सुलझा के इधर को हुए हैं जब वहाँ पे ये पहले झगड़ा हुआ, आप थे वहाँ पर? झगड़ा नहीं हुआ था, वो भैया से पूछ रही थी, उन्होंने एक तरह से धोखे से उनका मर्डर किया है। आंटी बस बुलाने के लिए शायद गली में आए, आंटी भी आई है, इतने में आंटी गए वो भैया का गला कट कर दिया। अच्छा, आंटी भी और दो तीन लोग यहीं से बुला के ले गए? हाँ जी, ऐसा कुछ हुआ था नहीं, उनको भैया को अकेले बुलाया था आई थिंक उन्होंने। वो खाना खाने आए थे, डिर्जी में रोटी खाने आए थे, तो उनको यहाँ से बुला के ले गए। पहले मेरे जो हमारे अंकल थे सक्सेना अंकल जी, उनके स्टंट डला था। वो इतना अच्छा लड़का था ना, कैंप में भी फोटोग्राफर का काम करता था। मैं ऊपर रहती थी, उनके सामने रही हूँ 5 ईयर्स। घर आमने सामने था? बिल्कुल आमने सामने, इफ्तार पार्टी भी उसके बाद। भैया जो वो लोग थे ना, ये जो फैमिली है ना, मैं कहती हूँ गली की सबसे बेस्ट फैमिली थी। और ऐसे लोग मुश्किल है, अंकल भी चले गए, आंटी अब अकेली हो गई, कम से कम उनको जस्टिस तो मिलना चाहिए। अब देखो कोर्ट के ऊपर डिसीजन पे डिपेंड करता है कि क्या होता है। लेकिन वो मतलब जो उसकी माँ थी वो बुला कर लेगी फिर कैसे, मतलब वहाँ पर किस तरह से? तो महिला ने पकड़ा उसका उसको कि... मैंने इतना नोटिस नहीं किया एक्चुअली, मैं उस समय ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं वर्किंग थी, ऑफिस से आई थी। ऑफिस से आने के बाद ये बच्ची खड़ी है, चाहत इसको ट्यूशन पढ़ा रही थी, परी खुशी थे उनको ट्यूशन पढ़ा रही थी, है ना चाहत, याद होगा हम ट्यूशन पढ़ा, मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो ऐसे हम लोग मुड़े, क्या हुआ बस ए, मतलब 3-4 सेकंड का डिफरेंसेस होगा, उस बीच क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। और पता चला भैया का गला काट दिया, फिर आंटी चीखे मार रही थी, फिर इतने में हम गए तो भैया को पकड़ के रिक्शे में लेके, कई रिक्शे वालों ने रोका नहीं, डर जाते होपलेस हो जाते लोग, है ना। तो फिर उसके बाद उनको रिक्शे में ले गए, फिर इतने में मेरे हस्बैंड, हम सब लोग जितने हैं जानकार, मेरे हस्बैंड भी उनके उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा। ठीक है, तो वो सब गए और उस पता चला हॉस्पिटल में जाने के भैया नहीं रहे, बहुत दुख है। फिर इसी सदमे में अंकल की भी देखो आपको पता है चले, अकेला जिसका बेटा हो। हाँ जी हाँ जी, मे बी फेब अप्रैल में, 28 अप्रैल में गए थे, कोविड के टाइम में उनको हुआ था कुछ। हाँ नहीं, 2020 में उनकी डेथ हुई, 2018 में अंकित के साथ ये हुआ। और उसके बाद बहुत उन्होंने बहुत मतलब अपने बेटे के लिए देखे, बहुत न्याय के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट किया। मेरे ख्याल से उनको न्याय मिलना चाहिए, आंटी को भी। वो अकेली रह गई है, उनके इन लॉज जो हैं वो बरेली में हैं, और आंटी का जो मायका है आंटी उत्तराखंड से, देहरादून से है ना, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो इसलिए ना थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ नहीं, बॉन्डिंग अपनापन, बॉन्डिंग बहुत है फैमिली। आज भी हम आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी हमारे बच्चों को बहुत प्यार करती है। जो मेरी बड़ी बेटी है उनको उन्होंने ही पाला है, जो सच्चाई है अंकल आंटी ने। तो मैं तो ये कहूँगी उनको जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक नहीं मिलना चाहिए जस्टिस, हर किसी की यही मांग है कि उस मासूम बच्चे का इतना बस गुनाह था कि वो किसी लड़की को पसंद करता था या उससे प्यार करना चाहता था, तो कौन सी बात हुई? अगर आप पसंद नहीं करते थे तो उनको बैठा कर समझा देते, अपने रास्ते बगल कर लेते। अंकित के माता पिता से आप कुछ बताएंगे? सर क्या बताऊँ, लड़का बहुत अच्छा था वो, मुझे तो दीदी दीदी कहता था वो। अच्छा। हमारे आगे ही बच्चा था, उसके आगे हम लोगों की शादी हुई, मतलब 1 महीने वाले ही शादी हुई थी, उसके बाद उसका बेचारे का मर्डर हो गया। आपकी शादी 1 महीने बाद? यही रहते थे बस, इतने बोलूंगी बोलेंगी मैडम। घर तो उजड़ी गया, मतलब आपको एक एक गाली उनकी। आई मैडम, और वो भी आंटी भी अंकल भी बहुत अच्छे थे हमारे, लेकिन गम बर्दाश्त नहीं गम बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। बस कितना टाइम बाद अंकल की डेथ हो गई थी, 1 साल बाद। जी मैम, क्या नाम आपका? भूमिका। भूमिका क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बचपन से हमारे साथ ही खेलता था अंकित। हाँ जी, और अगर चलो कुछ भी था रिलेशन उसका, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, उस रिलेशन को लेकर के जो इन्होंने करा,
जैसे उसका गला काटा, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मारते पीटते, हाथ पैर तोड़ देते, लेकिन किसी की औलाद को तुम ऐसे जान से ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हें किसी ने ये हक नहीं दिया कि तुम किसी की औलाद को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। उनकी एक ही औलाद थी, वो उसके माँ के दिल से ये पूछो कि वो कैसे सब्र कर रही होगी। दो बच्चे होते तो चलो एक से सब्र हो जाता, लेकिन वो एक ही औलाद थी, वो कैसे सब्र करेगी। अब उनको देख देख के हमें भी बहुत बुरा लगता है, आते जाते निकलते हैं। हाँ जी, मैं सुबह भी आए थे तो सुबह भी, क्योंकि साथ में खेला है वो हमारे, हम साथ में ही खेलते थे अंकित। स्कूल वकूल जाना हमारा, शाम को फ्री होते थे तो बैडमिंटन पकड़म पकड़ाई, जब हम छोटे छोटे थे हम साथ ही खेलते थे। आपका घर यही है? हाँ जी, आगे है, पहले हम अंकित यही पहले पैदा ही हुआ। हाँ जी, हाँ जी, वो इधर ही रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहने की, यार किसी से आप घृणा करते हैं, कोई गलत लगता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं, आप उसको मना कर देते, नहीं मारपीट कर लेते, हाथ पैर भी तोड़ लेते, जिंदगी खत्म कर दी यार। किसी ने हक नहीं दिया किसी की जिंदगी खत्म करो, दूसरे के बेटे की। वही तो तुम्हारे ऊपर बीतेगी जब तुम्हें पता लगेगा। तो इसका तो फिर यही है, उनको भी मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। सख्त सजा देगा कानून उसे, ये तो बात है। मिलेगी, 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 क्यों नहीं मिलेगी। अंकित के बारे में कैसे, वो बाइक भी अंकित कैसी खड़ी है? हाँ जी, नहीं ये अंकित की नहीं है बाइक। अच्छा। अंकित की नहीं है, वो तो जब उसकी छुट्टी होती थी, छुट्टी वाले दिन वो सारा दिन अपनी बाइक धोता रहता था। हाँ जी, शौकीन शौकीन बंदा था। और उसका एक ये था, जैसे एक ना टैलेंटेड था, हर चीज में इंटरेस्टेड, हर काम करना, दोस्तों के संग मिलके, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलके रहना। ब्लॉगिंग करता था? हाँ, ब्लॉगिंग करता था। खूबसूरत भी बहुत था, बहुत खूबसूरत। वो चाहता था कि मैं मतलब वो फेमस हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मरने के बाद कम उम्र होगा। वो नहीं, वो उस समय भी उसका फेमस था, वो फेमस था, वो चाहता था कि मतलब मैं एक्टर बनूँ एक तरीके का, लेकिन उस टाइम वो इतना फेमस नहीं हुआ जितना डेथ के बाद हुआ फेमस। अच्छा था, मतलब एक्टर की तरह फीसर थे, उसके चेहरा अच्छा लगता था। और वो माँ बाप कैसे झेल रहे होंगे दुख आप सब? तो कि उसकी, वही हम कहना चाहते हैं कि उसकी माँ के दिल से पूछो कि वो कैसे रहती होगी, घर को पूरा अपना अकेले देखती है, हस्बैंड भी नहीं है, ना कोई बोलने वाला, ना कोई बताने वाला, तस्वीरों के सहारे, बस तस्वीरों के सहारे जिंदगी काट रही है वो भी अपनी। और ये लड़ाई उन्होंने अकेले ही लड़ी है अपने बेटे के लिए। और कुछ बात जो अंकित के बारे में याद आ रही हो बचपन की है? बस यही है, मतलब बहुत अच्छा था। आपकी शादी भी यहीं हुई है कि कैसे? हाँ जी, यहीं हुई है मेरी शादी। एक सख्त सजा मिलनी चाहिए आपकी तरफ? हाँ जी, सख्त सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उसको, अंकित को। अब इसके अलावा कुछ बचता नहीं कहने को या रिक्वेस्ट करने को, क्योंकि अंकित आ नहीं सकता, कुछ बदल नहीं सकते। अंकित गया, पिताजी गए, माँ अकेली संघर्ष कर रही है कोर्ट में अपनी बीमारियों को लेकर, तमाम तरह की चीज़ें उनके सामने हैं। बस उम्मीद है कि सख्त सज़ा उनको मिलेगी जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा गुनाह किया। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएँ, साथ ही इस खबर को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये पहुँचे कि किसी व्यक्ति का जाना कितना बड़ा हादसा होता है। ज़िंदगी कोई किसी को दे नहीं सकता, तो फिर लेने का हक किसने दिया? नमस्कार।